हेलो गाइस, मैं राकेश मिश्रा। एग्जाम कैसे चल रहे हैं आपके? क्योंकि 12वीं क्लास की रसायन विज्ञान में डी ब्लॉक के तत्व अर्थात संक्रमण तत्व, इनके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इसके पहले संक्रमण तत्वों का परिचय का वीडियो भी हमने आपको दिया है, तो प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप इसी प्ले लिस्ट में मिलेगा। और ये रहा आपका दूसरा वीडियो, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। सबसे पहले बोर्ड क्लास 12वीं परीक्षा में आपको यह लिखना पड़ेगा, परिवर्ती संयोजकता क्या है। जब किसी तत्व की दो या दो से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित की जाती हैं, तो उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। एक तत्व द्वारा दो या दो से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करना परिवर्तन, जैसे आयरन, इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन, Fe। आयरन की दो संयोजकता है फेरस, फेरिक। जब इस पर दो प्लस रहती तो फेरस और तीन प्लस रहती तो फेरिक बोलते हैं। अब आते हैं कारण पर, इसका रीजन क्या है। तो रीजन दो है, NS, इसको हम अंतिम भी कह सकते हैं, और उपांत, इसको हम N-1। इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। पहला कारण क्या है, इन तत्वों के अंतिम NS और उपांत डी उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती है। आयरन में कौन सा होगा, आयरन में होगा 4s2 3d6। जो लोहे का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर है, कभी इससे दो इलेक्ट्रॉन त्याग जाते हैं और कभी एक इससे ही, तो कितने हो जाएंगे, दो और एक तीन। तो ये दो त्यागेगा तो फेरस बनेगा, एक इससे त्यागेगा फेरिक बनेगा। आगे क्यों नहीं त्यागेगा, आगे इसलिए नहीं त्यागेगा, इसकी हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं। देखो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, भाई उसने दो त्यागे 4s से, तो 4s खाली हो गया, एक इससे त्यागा 5 हो गया, अब ये आधा हो गया अर्धपूरित, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, इसीलिए इसकी दो वैलेंसी होती है। दूसरा कारण समझा रहे, अस्थाई कोर या कर्नल, ये कठिन शब्द लग रहा होगा आपको, हम उसको सरल शब्द बनाने के लिए इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। सरल शब्द देखिए, जे आयरन का परमाणु बना है, आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इसको बांट लेते हैं, हमने 20 बांट लिए, अब 6 और बचेंगे, तो इसमें 6 भर दे रहे हैं, तो ये हो गया इस प्रकार से 2 8 14 2, इसमें 2 8 14 2, 14 डायरेक्ट नहीं भरते हैं, पहले 8 फिर 6, ये विन्यास है। इसको कहते हैं अंतिम कोष, और इसको कहते हैं उपांत कोष। ध्यान दीजिए, अंतिम 4s है, उपांत क्या है 3d, n का मान 3 रखो, 3 - 1d 3d, तो कोर कहलाता है। ये छोड़ दीजिए आप, इतना ये छोड़ दिया, इसको छोड़कर शेषभाग कोर कहलाता है, किसी परमाणु के अंतिम कोष को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा है कोर कहलाता है, मतलब ये है कोर। इसका कोर अस्थाई है, क्यों, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, हम किसी और का कोर बना रहे हैं, चलो ठीक है, हम जिंक का कोर बना रहे हैं, 2 8 8 2, बोरवरी का विन्यास, अभी 30 नहीं हुए परमाणु के बाद 30 है, इसमें और 10 कर दिए, अब 30 हो गए, 2 8 18 2, इसका कोर कैसे बनाएंगे हम, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, लेकिन हम जानते हैं कि चौथा 2 8 18 2, ये छोड़ दो, आखिरी को त्याग दिए इलेक्ट्रॉन, इसमें 2+ दर्शाएगा, अब इसका कोर स्थाई है, इसका कोर अस्थाई है, ये परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाएगा, ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाएगा। इसकी दो संयोजकता है फेरस और फेरिक, और जिंक की केवल एक संयोजकता है, जिंक 2+, 3+ 1+ नहीं आता। अब
अपन एक्चुअली इसकी गहराई में चलते हैं। दो कारण तो आप देख लिए, दूसरा कारण ये है इसका विन्यास बनाते हैं। हम कर रहे हैं यहां से स्टार्ट, देखिए ये है 3D उपकोष और ये है 4S उपकोष, और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज के अंदर, ये बना दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये पता करना है गाइस कि 2 से 7 तक कैसे दर्शाएगा आक्सीकरण संख्या इसकी 2 से 7 तक है। तो देखो भाई यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी, ये दान दे दिए प्लस 200 कर दी है। अब एक एक करके त्यागेगा, 1, 2, 3, 4 पांचों जब त्याग देगा तो 7 हो जाएगी, 5 और 2 कितने हो गए 7। ऐसे हम स्कैंडियम की बात कर लें, ये हमारा 3D श्रेणी का पहला मेंबर है स्कैंडियम। कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें 2, कितनी संख्या 2 त्यागेगा प्लस 2, एक और त्यागेगा प्लस 3। आरासन में हम टाइटेनियम की बात कर लें, ये टाइटेनियम का हो गया 3D2 4S2, 2 त्यागेगा प्लस 2, एक और त्यागेगा प्लस 3, एक और त्यागेगा प्लस 4, कितना क्लियर है। हम वैनेडियम की बात कर लें, देखो 4S2 3D3, 2 त्यागेगा प्लस 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कितना क्लियर है। इस प्रकार से क्रोमियम का पर अपवाद है 2, इनमें प्लस 1 भी होती है 4S1 4S1, इसमें 4S1 3D5, इसमें 4S1 3D10। अफबाउ नियम के 2 एक्सेप्शनल केस क्रोमियम कापर, तो इनकी संयोजकता अलग होती है। जिंक 12वें वर्ग का तत्व है और 12वें वर्ग के तत्व संयोजकता प्रदर्शित परिवर्ती नहीं कर दर्शाते हैं, निश्चित होती है। कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 तत्व हैं। 30, 18 और जोड़ दो 48, 32 और जोड़ दो 80, ये 12वें वर्ग के तत्व हैं, इनकी संयोजकता परिवर्तित नहीं होती है। गाइस समझ में आया होगा परिवर्ती संयोजकता क्वेश्चन, निश्चित संयोजकता क्वेश्चन, कि परिवर्ती संयोजकता डी ब्लॉक की तरह दर्शाती है लेकिन 12वें वर्ग को छोड़कर, वो निश्चित संयोजकता दर्शाती है क्योंकि उनका डी भरा हुआ रहता है। इधर पे आई संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं इसको समझते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक, यहां पर नाइट्रोजन, धन हाइड्रोजन बराबर अमोनिया, ये देखिए ये हेबर विधि है, इससे अमोनिया बनाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड धन ऑक्सीजन बराबर सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए यहां पे आयरन उत्प्रेरक है, यहां पे वैनेडियम पेंटाक्साइड उत्प्रेरक है। एक और क्रिया लिख रहे जो हम, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये गैस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, ये तो गैस रहते ही है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम बात करते हैं जो दूसरी विधि लिख दी, इसका नाम एक्चुअली सीस कक्ष विधि है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे तत्व या यौगिक जो क्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। सतह रसायन में आप देखेंगे, सतह रसायन की वीडियो देख लीजिए आप इसके पहले थोड़ा सा, उसमें ये बताया धनात्मक उत्प्रेरक दर को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक दर को घटाते हैं। तो उत्प्रेरक जो है दर परिवर्तित करेगी, दर माने होता है सांद्रता बटे समय, सांद्रता परिवर्तन बटे समय दर का सूत्र होता है। तो हम हेबर विधि में चलते हैं, इसका कारण जानते हैं, उदाहरण जान लिए इसका कारण, इसका जो रीजन रहता है वो क्या रहता है। इसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, सतह पर अधिशोषण, देखो ये सतह रंग से जुड़ा हुआ चीज है, ये जो लोहा है ना ये है लोहा, और इस पे कौन सी गैस है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इस प्रकार से
सतह पर जो है चिपक जाएंगे ये परमाणु किसके, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस की, एक परत चढ़ जाएगी। देखो ये ठोस उत्प्रेरक पर गैस के कण चिपक जाते हैं जिससे इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ होने से उनमें क्रिया हो जाती है, उत्पाद बन के निकल जाते हैं। इस घटना को अधिशोषण भी कहते हैं। ये अधिशोषक है आयरन और ये अधिशोष है, पहला कारण जो है आपको मैंने बताया। अब दूसरा कारण है माध्यमिक यौगिक का निर्माण उत्प्रेरक क्यों करते। देखो उत्प्रेरक हेल्पर होता है, सबसे शीर्ष कक्ष विधि का उदाहरण यहां पे हम देंगे। ये विधि लिखी हुई है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है, ये दो पदों में क्रिया कराएगी। देखो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिया भाग नहीं लेगा देखना, और क्रिया करेगा जरूर, किससे क्रिया करेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये बन गया नाइट्रोजन परऑक्साइड। क्रिया विधि की पहला पद हो गया एक क्रिया कारक, और जो ऑक्सीजन है क्रिया कारक जीव उत्प्रेरक, क्रिया करके क्या बनाएगा माध्यमिक यौगिक। अब दूसरे पद में आ जाइए, NO2 दूसरे क्रिया कारक को पकड़े, ये पहला क्रिया कारक है दूसरा क्रिया कारक है, और ये उत्पाद बना लिया देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये उत्प्रेरक भी फ्री हो गया माध्यमिक यौगिक। क्रिया कारक का एक अणु उत्प्रेरक से क्रिया करता है माध्यमिक यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक क्रिया कारक के दूसरे अणु में क्रिया करके उत्पाद बनाता है, उत्प्रेरक फ्री हो जाता है। ये फिर आएगा फिर क्रिया कारक को पकड़ेगा ऑक्सीजन को माध्यमिक यौगिक बनाएगा, फिर उत्पाद इकाई समय में ज्यादा उत्पाद बनने लगेंगे जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी माध्यमिक यौगिक। तीसरा कारण उत्प्रेरक क्रिया कारकों के लिए कम ऊर्जा वाला मार्ग उपलब्ध कराता है। भाई एक अच्छा टीचर क्या है कि जो कम टाइम में पुस्तक की सरल भाषा में स्टूडेंट को बता दे, वही काम उत्प्रेरक करता है। उत्प्रेरक क्या करता है कम ऊर्जा वाला मार्ग क्रिया कारक को कहता है भाई उत्पाद बनाना है तुम्हें हमारे साथ चलो आप, हम आपको कम ऊर्जा वाला मार्ग उपलब्ध कराएंगे जिससे तेजी से उत्पाद बनने लगेंगे। तो ये जो है तीसरा काम है। तो समझ में आया होगा निश्चित रूप से कि उत्प्रेरक का काम तीन कारणों से होता है, सतह पर अधिशोषण कर लेना, इसको हम समांगी अधिशोषण भी कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण क्रिया भी कहते हैं। समांगी में क्या होता है गैस गैस ठोस, विस्मांगी कहेंगे इसको, और ये समांगी, दूसरा है समांगी और ये है विस्मांगी। दो प्रकार के सिद्धांत हैं। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में समांगी उत्प्रेरण क्रिया लगती है और विस्मांगी में जो है विस्मांगी उत्प्रेरण में हेवर विधि का उदाहरण है। तो ये दो क्वेश्चन आपने देखे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जरूर हम चाहेंगे कि इन चीजों को अच्छे से समझें और अपने तुरंत फोन उठा के अपने जो व्हाट्सएप है या शेयर है फेसबुक से शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी को बताएं हमसे जुड़ें अच्छे नॉलेज के लिए, बेस्ट केमिस्ट्री के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।